बंदे की वजह से तो टाइम मेरे ऊपर आया है। एक जब ये कह रहा था कि मैंने शादी करनी है, मैंने अपना दुपट्टा उतारा और इसके पाँव में रखा कि एजाज शादी ना करो, हम माँ बेटी का क्या होगा, किसके सहारे हमें छोड़ोगे। तब मेरे अब्बू की डेथ हो गई थी तो, और दूसरा ये आया फिर दुपट्टा रखा के एजाज तुम शादी कर लो पर हम माँ बेटियों को ना छोड़ो, शादी कर लो। आज तक, आज के दिन तक भी मैं यही कहती आई हूँ कि मुझे ले जाए, एक घर दे दे और मैं अपनी बेटियों के सर पे बैठी रहूंगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर ये चाहता ना कि इसने सोतर मेरे साथ ला के बिठानी है, मुझे वो भी मंजूर है। मैं तो पहले ही 10 साल से उसे अपने साथ ही रख रही हूँ। क्या कह रहे थे पापा? वो कह रहे थे कि अपनी मम्मा को अपने नानों के घर रहने दो और आप लोग हमारे घर रह जाओ। आपने क्या कहा? हमने कहा कि हमने अपनी मम्मा के साथ रहना। अब आप मुझे बताओ, मामा पास रहना, पापा पास? मम्मा साथ। पापा पास क्यों नहीं रहना? पापा हमें मारते थे, मेरे मामा को मारते थे। नहीं, रोना नहीं है, रोना नहीं है। पापा मार आपको भी मारते? जी। कैसे मारते? हमें टांगों के साथ मारते। टांगों के साथ मारते? जी। खुटे मारते? जी। मेरी स्पोर्ट में कोई भी खरा नहीं हो रहा। मैंने फिर फुफा जी के तरले किए। उन्होंने कहा कि मेरा देवर बोला, उसने कहा कि अगर हमारा भाई तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं उठा रहा तो हम क्यों उठाएं तुम्हारी जिम्मेदारी। ठीक है। तो मेरी सास मेरे ससुर को कहती है, हबीब साहब छड्डो जी, मैं तो ना एक सियाने को होके आई हूँ, तो उन्हें कहा इन्हों का नभा ही नहीं है। अच्छा। इन्होंने संजोक ही नहीं रलते है। ठीक है। तो मैं चुप करके ऊपर आ गई, मैंने फिर कोई बात नहीं की। तो लड़ाई शुरू हो गई इससे। फिर मैंने 15 पे कॉल की है, मेरे देवर ने गन निकाल ली आपके ऊपर। हाँ जी, गन है हमारे घर में, उधर गन थी, गन निकाल लिया लड़ाई के, कहा कि अगर तुम रहना नहीं चाहती हम तुम्हें रखना नहीं चाहते, सोच के ये ऐसे ऐसे बहुत करते रहे। मेरे ससुर नमाज पढ़ने गए थे मगरिब, वो नमाज छोड़ के आए तो आते ही मुझे कहते हैं किसी बड़े को बुलाओ और सामान उठाओ निकलो यहाँ से। 2-3 मरतबा उन्होंने मुझे यही कहा। मैंने कहा मेरा बड़ा कोई है ही नहीं, मैं किसको बुलाऊं, अम्मी अबू तो है नहीं। ठीक है। उन्होंने कहा बहन को बुलाओ, बहनोई को बुलाओ, लेकिन यहाँ से निकलो, सामान उठाओ तो निकलो। मैंने कहा कि सामान को आप बाहर रख के आग लगा दें, मैंने नहीं लेके जाना। कहने लगे कि नहीं, सामान के साथ ही तुझे निकालना है, अब हमने नहीं तुम्हें रखना। उसके बाद मैंने 15 पे कॉल की, पुलिस आई। ठीक है। पुलिस मुझे लेके गई, वहां से निकाला और इधर अम्मी के घर मुझे पुलिस छोड़ने आई। ठीक है। जाहिर है वो पिस्तौल दिखा रहा है तो जान तो बचानी थी ना। तो पुलिस के आगे भी बोल रहा है, मेरे भाई साथ थे, बोल रहा है मेरे भाई को, उसने कहा तुम्हें देख लेंगे, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। फिर बाद में बहुत सारी धमकियां सुनते रहे कि इसने मुकद्दस को हमने मार देना, बच्चियां ले लेनी है, ये जो केस किया ये केस खत्म हो जाएगा। फिर आप वालदा के घर आ गई, कितना अरसा रही? मुझे 2 साल हो गए वालदा के घर आज तक। जी मुझे। ठीक है। फिर अनीता से शादी हुई, शौहर की शादी? हाँ, उन बातचीत चलनी शुरू हो गई, मेरे सास ससुर ने रिश्ता पूछ लिया उनसे। ये शादी थी, उनका निकाह था, जिस दिन वो गिरफ्तार हुए उससे 1 दिन बाद उनका निकाह था। ठीक है। निकाह नहीं हो सका? नहीं हो सका, निकाह से 1 दिन पहले उनकी गिरफ्तारी हो गई है। ठीक है। मेरे ससुर ने जाके पूछा, फिर भी मैं इधर 2 साल से बैठी, मैंने कभी किसी को कभी किसी को। गिरफ्तारी किस चीज में हुई है? बच्चों के खर्चे में। ठीक है। आपने केस किया? जी मैंने। ठीक है। आप 2 साल से यहाँ वालदैन के घर है? जी। 2 साल में आपसे कोई रابطہ नहीं हुआ, ना बच्चों से रابطہ हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैं फोन अगर करती भी तो मेरा नंबर वो ब्लॉक कर देते, रिसीव नहीं करते। और बच्चों से मिलने के लिए कोई नहीं? बाहर गली में आ जाते, एक ही रास्ता है कि बाजार साथ ही तो है उनका घर। बच्चों को कभी 10 कभी 20 दे जाया करने, मारने के लिए आए। ठीक है। तो उन्होंने ये समझा कि शायद ये साथ वाले घर में बैठी है, मैं उधर नहीं थी। उनका मतलब के मेरे साथ कजन भी थे, मेरे चचा के बेटे भी थे, सारा उन्होंने गाली गलौज मार पीट उनके साथ किया, उनकी लेडीज का हाथ दबाया, सब कुछ किया। वो केस भी है मेरे हस्बैंड के ऊपर और मेरे देवर के ऊपर है, चल रहा है अभी तक जा रहा है केस। फिर हमारे दरवाजे के आगे आए हैं, फिर मैंने 15 पे कॉल की है, पुलिस आई है, मेरे भाई की बाइक को ईंटें और सब कुछ उन्होंने किया है। मैंने 15 पे कॉल की है, पुलिस आई है, पुलिस ने भी हमारी नहीं सुनी, उनका बयान लिख के चली गया लेकिन मेरी नहीं उन्होंने सुनी। ठीक है। वो पुलिस वाला मेरे ससुर का दोस्त था, तो हमारी नहीं उन्होंने सुनी, वो चले गए हैं। ठीक है। उसके बाद मैंने केस किया, वो वकील से भी उन्होंने हाथ मिला लिया कि मेरे पल्ले अब तक कुछ नहीं। मैंने
उधर 10 साल गुजारे और 10 सालों में मैंने बहुत कुछ सहा है। इतनी अजियत मुझे दी, इतनी कि इस बंदे की वजह से 2 टाइम मेरे ऊपर आए हैं। एक जब ये कह रहा था कि मैंने शादी करनी है, मैंने अपना दुपट्टा उतारा और इसके पाँव में रखा कि एजाज शादी ना करो, हम माँ बेटी का क्या होगा, किसके सहारे हमें छोड़ोगे। तब मेरे अबू की डेथ हो गई थी तो, और दूसरा ये आया फिर दुपट्टा रखा के जाल तुम शादी कर लो पर हम माँ बेटियों को ना छोड़ो, तुम शादी कर लो। आज तक, आज के दिन तक भी मैं यही कहती आई हूँ कि मुझे ले जाए, एक घर दे दे और मैं अपनी बेटियों के सर पे बैठी रहूंगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर ये चाहता ना कि इसने सोतर मेरे साथ ला के बिठानी है, मुझे वो भी मंजूर है। मैं तो पहले ही 10 साल से उसे अपने साथ ही रख रही हूँ, आमने सामने ही है, जाहिर है, देख रही हूँ, सब कुछ होता है, लेकिन किसी बात पे नहीं आए। फिर ये स्टोरी से पहले भी मैंने उन्हें कहा, मैंने पैगाम पे भेजा है 15 दिन पहले कि मैंने स्टोरी करनी है, अभी भी वक्त है, संभल जाएं, सुधर जाएं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये कि एक घर दे दे, बैठे जब बेटियों की शादी करूंगी घर आपका होगा। मैं ये भी नहीं कहती कि घर मेरे नाम या बेटियों के नाम लगवाए, औलाद है उसकी तो वो इनका खर्चा तो बाप पर फर्ज है ना, कानून ये कहता है। लेकिन उन्होंने पीर वाले दिन उसके जवाब में उन्होंने डिवोर्स पेपर मुझे भिजवा दिए कि बच्चों का खर्चा क्यों मांगा है, नहीं पर जुल्म कि ये इसने क्यों कहा कि मुझे आके ले जाएं। पेपर भेज दिए, मैंने पेपर रिसीव नहीं किए, मैंने वापस कर दिए। अब आप क्या चाहती हो मुकद्दस, मतलब आपका क्या मुतालबा है वो बताओ। मेरा मुतालबा यही है कि अगर वो कह रहे हैं कि हमने खर्चा नहीं देना, चले कोई बात नहीं, नहीं देना ना सी जो भी है, साथ तो कोई बंदा भी नहीं लेके जाता, सब इधर ही छोड़ के सब ने जाना है, लेकिन ये कि जितनी अजियत उसने मुझे दी है ना उसे भी मिले। मुझे घर में रख के उसने कैद करके रखा है, लेकिन अब इस कैद का उसे भी पता चले, चाहे वो घर में हो या जेल में हो, जहाँ भी हो, इसकी सजा ज्यादा होनी चाहिए। नहीं, ये तो बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा गुनाह है कि शौहर बैठा हुआ है, वो जबानी तलाक दे रहा है, फिर 6 माह बीवी के साथ रह भी रहा है, फिर अपने भाई से निकाह करा रहा है, 15 मिनट बाद तलाक दिलवा रहा है, 2.5 महीने बाद कह रहा है दोबारा हमारा निकाह, ये निकाह है कोई खिलौना तो नहीं। अब फिर इधर आके भी, और वो तमाम लोग जो इस सारे के सारे काम में निकाह में इन्वॉल्व हैं, मुलव्विस हैं, उनको भी इस पर सजा होनी चाहिए और स्टेट को चाहिए कि इस पर एक्शन लें। लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं है, कोई कागज नहीं है, कुछ लिखा नहीं है। पर आप अपने मुंह से बता रही है ना, आजकल कानून लिखा ज्यादा देख रहा है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि मेरे पास लिखा तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं झूठ भी नहीं बोल रही हूँ। हम यहाँ पर आए हैं आपके पास आपकी आवाज बनने के लिए, ठीक है। आपके साथ जो हुआ वो आपने बता दिया। अब अगर एक शख्स को गोली लग जाती है और कोई सबूत नहीं होता तो इसका ये मतलब तो नहीं है गोली लगे हुए शख्स को फेंक देना है कि चलो खैर है। उनके पैसे के नीचे मेरा सच जो है वो छुप जाता है। पैसे लगाते हैं? पैसे लगाते हैं। किसको लगाते हैं पैसे? अगर ये जैसे मैंने वकील किया, ये हमारा इधर जंडियाला का वकील खरीद लिया, वकील खरीद लिया, वो हमारे गांव के हो के सारी कहानी मेरे भाई ने उन्हें सुनाई, उन्होंने भी मेरी कोई सपोर्ट नहीं की। अब कितने साल से बच्चों को खुद मैनेज कर रही हैं आप? मैं तो जब से गई हूँ ना, नहीं खर्चा, खर्चे की बात हो, 2 साल से। 2 साल से जी, लेकिन उन 10 सालों में मैं कभी इधर 6 माह रह के गई हूँ, कभी 8 माह रह के गई हूँ, वो भी खर्चा मेरे भाइयों ने ही किया है। ठीक है, केस मैंने अब किया है इधर, मतलब कि ये तीसरी चौथी दफा जब मुझे निकाला है। रहना चाहती हो, पैचअप चाहती हो? अब नहीं, अब नहीं। बच्चों का खर्चा चाहती हो? मैं चाहती हूँ। आप चाहती हो कि आपको घर दे दें तो आप वहाँ पर रहना शुरू कर दो? हाँ जी। साहिब हैसियत है, घर है इनके पास? सब कुछ है, सब कुछ है, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी। मेरे ससुर पुलिस ऑफिसर है, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है, सब इंस्पेक्टर है। ठीक है, तो मैंने उन्हें ये भी कहा है कि छोटे बेटे बहू को आप खिला रहे हैं तो आप हमें भी ले जाएं, हमें भी आप हमारा थोड़ा सा, आपके फूफा भी है ना, कि आप हमारा खर्चा उठा लें। ज्यादा नहीं डालूंगी, मैं पहले भी मेहनत करती थी उधर बैठ के, मैंने जब से मेरी शादी हुई है मैंने बहुत मेहनत की है, तो मैंने कहा कि अब भी मैं करूंगी। क्या नाम है आपका? अरफा इजाज। अरफा इजाज। कौन सी क्लास में हो? 2। 2 क्लास में हो। कितनी उम्र है आपकी? 60। 7 साल, वेरी गुड। पापा का क्या नाम है? इजाज। पापा से कब मिली थी लास्ट टाइम? पापा से मिली थी कब? मिली कल मिली थी, फिर कब मिली याद है कुछ के नहीं? नहीं याद।
नहीं याद, क्या नाम है? हरम फातिमा। कौन सी क्लास में है हरम? 5 क्लास। माशाल्लाह आप तो छोटी सी लगती ही नहीं हो। अच्छा पापा किधर हैं? पता नहीं। पापा से कब मुलाकात हुई? 1 महीने पहले। कहाँ पे हुई थी बेटा? बाहर बाजार में। क्या कह रहे थे पापा? वो कह रहे थे कि अपनी मम्मा को अपने नानों के घर रहने दो और आप लोग हमारे घर आ जाओ। आपने क्या कहा? हमने कहा कि हमने अपनी मामा के साथ रहना। अब आप मुझे बताओ, मामा पास रहना पापा पास? मम्मा साथ। पापा पास क्यों नहीं रहना? पापा हमें मारते थे, मेरी मामा को मारते थे। नहीं, रोना नहीं है, रोना नहीं है। पापा मारते आपको भी? मारते जी। कैसे मारते? हमें टांगों के साथ मारते। टांगों के साथ मारते जी? खुटे मारते जी? किस बात पे मारते? हम बाहर खेलते थे। खेलने के ऊपर जी? फिर आपको कौन बचाता था? हमारे मामा। मामा बचाती थी जी? गालियां भी देते थे? नहीं, गालियां नहीं देते। जूते पहने होते थे जब ठुड्डे मारते थे जी? फिर आप कहती थी पापा छोड़ दो मुझे जी? फिर नहीं तो छोड़ते। इसलिए आपको डर लगता है पापा से, इसलिए मामा पास रहने जी? क्या नाम है? मरवाजा। अच्छा मुझे बताओ, स्कूल जाती हो? जाती हो? कौन सी क्लास में? प्रेप। प्रेप में। पापा किधर हैं? पापा कहाँ हैं आपके? नहीं पता। पापा का क्या नाम है? इजाज। इजाज। तो पापा के साथ रहती हो मामा के साथ? मामा। पापा के साथ क्यों नहीं रहती? ये घर किसका है? नानो का। नानो का घर है। जनाबे वाला सवाल ये है कि एक औरत जो अपने शौहर के साथ रहती है और शौहर अपने दोस्तों की ऑप्शंस रखता है कि तुम इससे शादी कर लो, तुम उससे शादी कर लो, अच्छा चलो दोस्त से नहीं करनी तो तुम मेरे भाई से शादी कर लो, औरत रोती है, पीटती है, तरले डालती है, मिन्नते वास्ते करती है क्योंकि उसने 3 बच्चियां पैदा की हैं, उसका कसूर ये है कि मेरा घर बसा रहे, मेरी बच्चियों पर गलत असर ना पड़े, मारपीट होती है, प्रेशराइज करके देवर के साथ निकाह पढ़ाता है, शौहर हैरानगी की बात है खुद सहन में बैठ जाता है और बड़े कमरे में बैठ के निकाह पढ़ाते हैं और इस निकाह के लिए कोई पेपर्स नहीं होते, ये जुबानी कलामी दुनियादारी चल रही है सारी। फिर 15 मिनट के बाद देवर से तलाक दिलवाई जाती है और कहा जाता है चलो अब तुम हलाल हो गई हो अपने शौहर पे, तुम चली जाओ अपने शौहर के साथ। जब शौहर के साथ रहना दोबारा शुरू हो जाती है तो 2.5 माह के बाद याद आता है कि नहीं 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 नहीं, निकाह में अभी कोई मसला है, अभी फिर कुछ करना है। इस औरत के साथ अच्छा वक्त नहीं गुजरा, समझ आती है इन बच्चियों का फर्ज है, इन बच्चियों का नानो नुक्का, इन बच्चियों की इज्जत, इन बच्चियों का संभालना, जिम्मेदारी इनके बाप के ऊपर फर्ज है, उसमें चॉइस नहीं है कि आपका दिल करेगा तो आप करेंगे, आपका दिल करेगा तो आप नहीं करेंगे, चॉइस नहीं है, वो आपका फर्ज है, आपने करना है। इस औरत के साथ आपने नहीं रहना, आप ना रहें, इन बच्चियों का नानो नुक्का आपके ऊपर फर्ज है जो कि आप देने से गुरेजा है। वकील किया, वकील आपने खरीद लिया, अगर आपको कोई मसला मसाइल है तो कानूनी जंग को कानूनी तरीके से आप लड़ें, आप रिश्वत और पैसे का इस्तेमाल ना करें। ये औरत आज यहाँ पर मुतालिबा ये करती है, शादी का नहीं कह रही है, को और किस्म के मसले मसाइल नहीं सुना रही है, कह क्या रही है कि मुझे मेरे बच्चों का नानो नुक्का दे दें, कोई छोटा सा घर दे दें, मैं सर छुपा के वहाँ पर बैठी रहूँगी। आप साहिब हैसियत हैं, आप दे सकती हैं और आपका ये फ़र्ज़ है कि आप अपनी बच्चियों का अपनी जेब के मुताबिक नानो नुक्का पूरा करें। तो ये मुतालिबा है आला हुकाम से, वो तमाम लोग जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं सुन रहे हैं वो इस पर भरपूर एक्शन लें ताकि ये रीत ना बने, आज मुकद्दस के साथ हुए, कल इस मोहल्ले की किसी और लड़की के साथ ना हो, फिर उसके बाद कहीं और ना हो। और अनीता मैडम, कवारे होते बेटी को जन्म देना कोई इज्जतदार लोगों का काम नहीं है। मैं हैरान हूँ इस बात पर कि वालिदैन के साथ रहते हुए माँ को, भाइयों को और बाप को पता क्यों नहीं चला कि हमारी बहन कवारी है और बच्चे की माँ बनने जा रही है। उस बच्ची का क्या कसूर था जिसको जन्म दिया और हॉस्पिटल में छोड़ के आ गए? क्योंकि वो नाजायज थी, उसको घर लाते तो किस मुँह से लाते और क्या बताते रिश्तेदारों को कि ये बच्ची किसकी है, इसका बाप कौन है, माँ कौन है। तो खुदा के खौफ से डरना चाहिए, आला हुकाम को चाहिए कि इस पर भरपूर एक्शन लें।